गुड मॉर्निंग क्लास दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महासागरीय जलधारा। तो महासागरीय जलधारा के उत्पत्ति होने के कुछ प्रमुख कारण हैं, जिनमें से एक कारण है वर्षा। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्षा के कारण से महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है। और जी हाँ, अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। और आप वीडियो देखने वाला आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं वर्षा कि वर्षा के कारण से महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो वर्षा क्या होती है, देखिए यहाँ पे वर्षा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं दो प्लेस लेते हैं, दो जगह लेते हैं। जगह ए यहाँ है, यहाँ पे बी है, ठीक है। जगह ए है, यहाँ पे जगह बी है। ए महासागरीय जलधारा है, ये क्या है, महासागरीय जलधारा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे महासागर, यहाँ पे वर्षा की दर अधिक है, वर्षा की दर अधिक है, ठीक है। ए में यहाँ पे वर्षा की दर अधिक है। जब वर्षा की दर अधिक होगी तो स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होगी, स्वच्छ जल की आपूर्ति, स्वच्छ जल की पूर्ति अधिक होगी, ठीक है। तो स्वच्छ जल की यहाँ पे पूर्ति क्या होगी, अधिक होगी। जब अधिक होगी तो यहाँ का जल स्तर क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। यहाँ पे वर्षा की दर अधिक होगी तो स्वच्छ जल की पूर्ति अधिक होगी। जब स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होगी तो जल स्तर क्या होगी, अधिक होगी। बात करते हैं बी में, यहाँ पे वर्षा की दर अधिक कम होती है, वर्षा की दर कम है, ठीक है। जब वर्षा की दर कम है तो यहां पे स्वच्छ जल की आपूर्ति कम होगी, स्वच्छ जल की पूर्ति कम होगी। जब स्वच्छ जल की पूर्ति कम होगी तो यहां पे जल स्तर क्या होगी, कम होगी। जल स्तर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो महासागरीय जलधारा की प्रवाह जो होगी, महासागरीय जलधारा की जो प्रवाह होगी, इसकी प्रवाह ये होगी, अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर इसकी प्रवाह होगी, ठीक है। तो महासागरीय जलधारा की प्रवाह ये है, ए से बी की ओर जाएगी, ठीक है। महासागरीय जलधारा की जो प्रवाह हो रही है वो कैसे हो रही है, अधिक से कम की ओर हो रही है। जैसे देखिए विषुवत रेखा है, कहाँ पे, विषुवत रेखा पे, ये रहा आपका पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी का ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पे, यहाँ पे विषुवत रेखा पे क्या होता है, यहाँ पे वर्षा की दर जो होती है अधिक होती है। वर्षा की दर क्या होती है, यहाँ पे वर्षा की दर अधिक है। तो हम बता चुके हैं जब वहां पे वर्षा की जब दर अधिक होगी तो स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होगी, और स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होगी तो वहां पे जल स्तर क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ही बात है, सी लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, सी लेवल क्या होगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि पृथ्वी जो है, यहाँ पे पृथ्वी सी लेवल यहां पे अधिक होगा, सनलाइट जो है विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है, सनलाइट क्या होता है, यहां पे सीधी पड़ती है विषुवत रेखा पे, और ध्रुवों पे क्या होती है, तिरछी पड़ती है, ध्रुवों पे क्या पड़ती है, तिरछी पड़ती है, ठीक है। ध्रुवों पे
सनलाइट जो होती है वो तिरछी पड़ती है और विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है, जिसके कारण से यहाँ पे वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। जब वाष्पीकरण की दर अधिक होगी तो वर्षा की दर अधिक होगी, वर्षा की दर अधिक होगी तो स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होगी, और जब स्वच्छ जल की आपूर्ति अधिक होगी तो यहाँ पे जो सी लेवल है, जल स्तर है, वो अधिक होगा। ठीक है, तो विषुवत रेखा पे यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती रहती है और स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। बात करते हैं भाई उपोष्ण कटिबंध की बात। ठीक है, यहाँ पे उपोष्ण कटिबंध की बात, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है 20 से 30 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 20 से 30 डिग्री अक्षांश को कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे क्या होती है, वर्षा की दर कम होती है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में यहाँ पे वाष्पीकरण की दर कम होती है, और जब वाष्पीकरण की दर कम होती है तो वर्षा की दर भी कम होती है। तो वर्षा की दर कम होती है और इसका एक कारण यह है कि यहाँ पे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में 20 से 30 डिग्री अक्षांश पे यहाँ पे वायु का अवतलन होता है, वायु का अवतलन होता है, जिसके कारण से यहाँ पे वर्षा कम होती है। वर्षा क्या होती है, कम होती है, जिस कारण से यहाँ पे सी लेवल क्या होता है, वो क्या होता है, कम होता है, सी लेवल कम होता है। और ऐसा ही साउथ पोल पे भी ऐसा ही सी लेवल यहाँ पे भी कम होता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में क्या है, सी लेवल कम है, और विषुवत रेखा पे सी लेवल क्या है, अधिक है। तो महासागरीय जो जलधारा की प्रवृत्ति क्या है, अधिक से कम की ओर, तो ये जलधारा जो जाएगी वो अधिक से कम की ओर, ठीक है, अधिक से कम की ओर आएगी।